हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस चैनल। कैसे हैं आप सब? होप आप सब अच्छे होंगे। सो गाइस, आज हम बात करने वाले हैं इस वक्त आपके माइंड में जो भी पसंद चल रहे हैं वो को क्या मैसेज देना चाहते हैं राइट नाउ, उनकी करंट फीलिंग्स। गाइस, टाइमलेस रीडिंग है, जब आप इसे देख रहे होंगे तभी सबसे रेजोनेट होगी एंड मैटर नहीं करता आप किस राशि के हैं, किस जेंडर के हैं। अगर एनर्जीज आपसे मैच करती है दैट मीन्स रीडिंग आपके लिए है। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम, जनरल रीडिंग है, जितने मैसेजेस आपसे रेजोनेट हो उतने लीजिएगा, बाकी को स्किप कीजिएगा। और एक बात और गाइज, मुझे शायद 2-3 बार कमेंट आ गए इस इन कार्ड्स को लेके। मुझे पूछा जा रहा है कि ये कार्ड्स मैम आपने कहाँ से बाय किए, तो मैं आपको बता दूँ ये ग्रीटिंग कार्ड थे जो कि मैंने इनको काट के ये वाले कार्ड बनाए हैं। ये मेरे हैंड रिटन कार्ड्स हैं, ठीक है। ये ग्रीटिंग कार्ड्स थे जिनको ऐसे समझो मैंने इनको नया जन्म दिया है, इन कार्ड्स के रूप में इनको रिक्रिएट किया है, ठीक है। तो ये मैंने कहीं से बाय नहीं किए, ये ग्रीटिंग कार्ड्स थे जिनको कट करके मैंने ये कार्ड्स बनाए। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम, लेट्स सी आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स राइट नाउ, आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं। सो फर्स्ट मैसेज, वी हैव ट्रस्ट टेक्स ईयर्स टू बिल्ड, सेकेंड्स टू ब्रेक एंड फॉर एवर टू रिपेयर। सो कहीं ना कहीं हो सकता है आपके जो ये जो आपका रिलेशनशिप है, आपके रिश्ते में ट्रस्ट इश्यूज रहे हैं। हो सकता है आप उन पे ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हैं राइट नाउ, या फिर आपके पर्सन आप पे ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हैं। यहाँ पे ट्रस्ट इश्यूज बहुत ज़्यादा है और यहाँ पे ज़्यादा पॉसिबिलिटी मुझे लग रही है जैसे आप अपने पर्सन पे ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हैं, और तभी ये मैसेज आया कि आपके पर्सन आपको बोल रहे हैं कि हाँ इनसे गलती हुई है, इन्होंने आपका ट्रस्ट ब्रेक किया है। सालों लग जाते हैं ट्रस्ट बनाने के लिए, सेकेंड नहीं लगता उसको तोड़ने के लिए, और ज़िंदगी लग जाती है उसको रिपेयर करने में। सो इनको एहसास है कि इन्होंने आपके आपका ट्रस्ट ब्रेक किया है, और अभी वक्त लगेगा आपको पहले जैसा, अगर ये आपको पा सकें। पहले आप इन पे जैसे ब्लाइंडली फेथ करते थे, अभी उस एनर्जी में आप राइट नाउ नहीं हैं, बट ये उम्मीद है इनको कि एक दिन आएगा जब आप इन पे विश्वास अगेन करेंगे। इट्स द कनेक्शन वी कांट एक्सप्लेन। सो हो सकता है आप किसी स्पिरिचुअल जर्नी में हैं, क्योंकि अक्सर स्पिरिचुअल जर्नी जिनके साथ होती है हमारी, जो हम स्पिरिचुअल कनेक्शन में होते हैं उसी को हमारे लिए एक्सप्लेन करना बहुत ही डिफ़िकल्ट होता है, क्योंकि एक्सप्लेन छोड़िए उसको समझना ही, कई साल तो उसको समझने में लग जाते हैं। सो कहीं ना कहीं आपका ये एक स्पिरिचुअल कनेक्शन है और आपके पर्सन इसको फील कर पाते हैं, ऐसा नहीं है। भले ही इनको एक ऐसा नहीं है, पर्टिकुलर नेम नहीं पता है सोलमेट ट्विन फ्लेम, बट इनको एहसास है कि आपके साथ जो कनेक्शन है वो थोड़ा यूनिक है, थोड़ा हटके है, और जैसे आपके जितना मतलब इस कनेक्शन में जितनी इंटेंसिटी इनको मिली है इस कनेक्शन से, जितना इंटेंस इन्होंने फील किया इस कनेक्शन में, ऐसी इंटेंसिटी इनको कहीं नहीं फील हुई किसी भी कनेक्शन में। दैट्स वाई इनके लिए जैसे मुश्किल है, डिफ़िकल्ट है एक्सप्लेन करना कि ये कनेक्शन इनके लिए क्या है। मे बी आपके लिए भी, आई कांट लिव विदाउट यू, आपके पर्सन आपके बिना नहीं जी सकते। अगर देखिए, अगर ये आपसे दूर हैं, ठीक है, आपको लग रहा है आप जैसे बहुत हैप्पी हैं, स्टेटस अच्छा लगा रहा है, स्टोरी बहुत अच्छी लगा रही है, तो थोड़ा सा ना इमोशनली सोचने के बजाय थोड़ा सा प्रैक्टिकल हो जाइए, ठीक है, थोड़ा सा दिमाग भी यूज़ कीजिए। मेरे को कमेंट आते हैं कि मैम आपने तो ऐसी एनर्जी बताई, लेकिन वो तो बहुत खुश है, उन्होंने मेरे को ब्लॉक कर रखा है। अच्छा, आप मेरे को एक बात बताइए, अगर उन्होंने आपको ब्लॉक कर दिया, इसका मतलब ये है क्या कि उन्होंने आपको हार्ट से भी ब्लॉक कर दिया? ऐसा नहीं होता। एक इंसान अपने एक्शन पर कंट्रोल कर सकता है, अपनी फीलिंग्स पर बिल्कुल नहीं। यहाँ पर क्लियर मैसेज आया कि आपके पर्सन आपके बिना बिल्कुल खुश नहीं है, वो आपके बिना नहीं जी सकते। लेकिन अगर वो जी रहे हैं तो आप ये बोलोगे नहीं मैम वो तो जी रहे हैं। जीने में जी रहे हैं क्या? जीना का मतलब क्या है? जीने का मतलब ये थोड़ी ना बस सांस ले रहे हैं, खाना खा रहे हैं, बस अपने काम कर रहे हैं, ये जीना नहीं होता। जीना होता है जहाँ हम हर छोटे छोटे मोमेंट्स को जैसे फील कर पा रहे हैं, चाहे वो कोई भी मोमेंट हो, है ना। जीना वो होता है जहाँ हम हर मोमेंट को, जैसे ऐसे समझिए जीना उसको बोलते हैं जहाँ आप बैठे हैं। खुशी का माहौल है तो आप खुश हैं, दुख का माहौल है तो आप दुखी हैं, इसको बोलते हैं जीना। हर मोमेंट को जिया जाता है जहाँ, लेकिन वो जीने में क्या जीना जहाँ पे खुशी का माहौल लोग बैठे हैं और एक इंसान दुखी है, अपनी ही दुनिया में खोया हुआ है, जहाँ उसको किसी से बिछड़ने का गम सता रहा है। सो ये कोई जीना नहीं हुआ, मैं तो नहीं मानती। अगर आपको लगता है कि अच्छा ठीक है वो तो बहुत अच्छे से जी रहे हैं, तो
अभी मैं तो देखिए हर किसी की जो थॉट प्रोसेस है उसको चेंज नहीं कर सकती ना, लेकिन हाँ मैंने मेरी तरफ से आपको एक्सप्लेन किया है। सो आपके पर्सन राइट नाउ जीने में नहीं जी रहे हैं, वो सिर्फ दिख रहे हैं कि हाँ वो अपनी लाइफ को बहुत हैप्पीली जी रहे हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। जस्ट वेट फॉर मी, आई एम कमिंग। सो आपसे कह रहे हैं कि आप इनका वेट कीजिए, ये आपकी तरफ आ रहे हैं। ये जो मैसेज आया था ना वो ऐसे ही नहीं आया, ऐवे नहीं आया, ये ट्रू है। इसका कन्फर्मेशन मुझे इस कार से मिला है, क्योंकि एक इंसान अभी थक चुका है, उसको कन्फर्मेशन मिल गई है कि वो आपके बिना नहीं जी सकते, दैट्स वाई वो आ रहे हैं और आपको बोल रहे हैं। वरना इनको क्या पड़ी आपकी लाइफ में वापस आने की, अगर ये हैप्पी ही होते तो ये क्यों आते, है ना? पॉइंट है ना बात में। नेक्स्ट, सो आपके पर्सन आ रहे हैं, आई वॉन्ट टू बी विद यू टिल माई लास्ट पेज। आपके पर्सन आपके साथ टाइम पास करने नहीं आ रहे, ठीक है, आपके साथ वो अपना रिश्ता आगे तक देख रहे हैं, फ्यूचर चाहते हैं इस कनेक्शन में आपके साथ। और क्या है, यू आर माई स्ट्रेंथ, आप इनकी स्ट्रेंथ है, आप इनको स्ट्रेंथ देते हैं, कहीं ना कहीं आप इनको मोटिवेट करते हैं आगे बढ़ने के लिए, कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में आप इनकी एक स्ट्रेंथ है। स्माइल हैप्पीनेस लुक्स गॉर्जियस ऑन यू, आपके ऊपर जो स्माइल है, जो हैप्पीनेस है, वो बहुत गॉर्जियस लगती है आपके पर्सन को। सॉरी आई एम हेल्पलेस, सो आपसे सॉरी बोल रहे हैं राइट नाउ, ये आपकी तरफ नहीं आ रहे, इसीलिए ये बोल रहे हैं कि आप वेट कीजिए, क्योंकि राइट नाउ ये थोड़ा हेल्पलेस है, इनको समझ नहीं आ रहा कि क्या एक्शन ले। नेक्स्ट है, राइट नाउ आई एम वर्किंग ऑन माई सेल्फ, आई नीड सम मोर टाइम। अगेन कन्फर्मेशन, मैंने कहा ना अभी ये हेल्पलेस हैं क्योंकि ये किसी काम में बिजी हैं, जैसे ही ये काम होता है ये आपकी तरफ आएंगे। बॉटम ऑफ द डेक एनर्जी हमें मिली है, आई एम इन पेन, आई नीड योर लव। आपकी पर्सन राइट नाउ बहुत ज़्यादा पेन में है, इनको आपके लव की ज़रूरत है। अभी दूसरी डेक से चेक कर लेते हैं। वी कम्प्लीट ईच अदर, सो आप एक दूसरे को कम्प्लीट करते हैं। जैसे ये कार्ड मेरे को ऐसा फील करवाता है जैसे आप ट्विन, एक दूसरे के ट्विन हो सकते हैं। सो आप ही अपने पर्सन को कम्प्लीट कर रहे हैं और आपके पर्सन आपको कम्प्लीट कर रहे हैं, जैसे हाफ सोल दूसरी हाफ सोल से कनेक्ट होके, मर्ज होके एक कम्प्लीट सोल बन रहे हैं। सो हो सकता है आप ट्विन फ्लेम जर्नी में। नेक्स्ट है, आई वांट टू हग यू, आपके पर्सन आपको गले लगाना चाहते हैं। I would do anything for you. आपके पर्सन आपके लिए कुछ भी करेंगे, जो भी रिक्वायर्ड होगा इस कनेक्शन में ये करेंगे, क्योंकि इनको आपके साथ फ्यूचर चाहिए। कहा था ना टाइम पास नहीं है, लेट्स हैव ए न्यू स्टार्ट। आपके पर्सन इस कनेक्शन में न्यू स्टार्ट चाहते हैं, नो डाउट। आपके पर्सन इस कनेक्शन में एक नई शुरुआत चाहते हैं, एक न्यू स्टार्ट चाहते हैं। और क्या है, Doesn't matter what people say about us. Okay, इनको मैटर नहीं करता अभी कि लोग क्या कहेंगे। हो सकता है पास्ट में ये बहुत ज़्यादा सोसाइटी कॉन्शियस पर्सन रहे हैं, लोग क्या कहेंगे। कोई भी एक्शन लेने से पहले आपकी तरफ, कोई भी जब भी एक्शन अगर इनको लेना होता था तो पहले ये लोगों के बारे में सोचते थे कि लोग क्या कहेंगे। बट राइट नाउ इनको मैटर नहीं करता कि लोग क्या कहेंगे आप दोनों के बारे में। अभी इनको वही एक्शन लेना है जो इनके लिए, जो इनको लेना चाहिए, जो रिक्वायर्ड है इस कनेक्शन में। I feel safer in the silence. So हो सकता है ये आपको silent ट्रीटमेंट दे रहे हैं, हो सकता है ये साइलेंट है, ये आपसे कॉन्टैक्ट नहीं कर रहे हैं, आपसे बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन ये इसी में अपनी भलाई समझ रहे हैं। सो बहुत ज़्यादा सेफ इनको फील हो रहा है, खुद को डिफेंड कर रहे हैं, जैसे खुद को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, जैसे इनको ऐसे लगता है जैसे राइट नाउ इनका चुप रहने में ही भलाई है। समथिंग इज going wrong between us. So कभी कभी इनको लगता है कि जैसे अगर ये साइलेंट हैं, कभी कभी देखिए ये साइलेंट हैं क्योंकि ये बहुत ज़्यादा सेफ फील कर रहे हैं उस साइलेंस में, बट इनको कभी कभी ऐसा भी लगता है कि इस साइलेंस के चक्कर में कुछ चीज़ें बिगड़ ना जाए। सो कभी कभी इनको डर भी लगता है कि जैसे कुछ चीज़ें बिगड़ रही हैं, मैं मेरे चुप रहने से कहीं चीज़ें ख़राब तो नहीं हो रही हैं आप दोनों के बीच। आई वॉन्ट टू सी यू वंस, कहीं ना कहीं आपके पर्सन आपको बस एक बार देखना चाहते हैं।
मैं तो बस एक बार तुमको देखने को तरसूं, कहता है दिल ये मेरा। ये सॉन्ग पता नहीं क्यों आया मुझे। प्लीज़ कॉल और टेक्स्ट मी, इवन मिस कॉल विद यू। आपके पर्सन आपसे कह रहे हैं कि एक मिस कॉल भी चलेगी, या तो आप कॉल कर लो या टेक्स्ट कर लो इनको, और अगर आप मिस कॉल भी दे दोगे ना तो ये तैयार बैठे हैं, छोटी सी मिस कॉल दीजिए तो सही, कॉल बैक ना आए तो कहिए, ऐसा ये बोल रहे हैं। और मुझे यहाँ ऐसा फील हो रहा है जैसे आपके पर्सन को ईगो इश्यूज़ हो सकते हैं, जैसे वो चाहते हैं कि आप इनिशिएट करें इस कनेक्शन में। यू आर इनफ फॉर मी, सो आप इनके लिए काफ़ी हैं, इनको फिर वो कुछ नहीं चाहिए। अगर आप इनके साथ हैं फिर इनको कोई चीज़, कोई इंसान नहीं चाहिए, ऐसा ये बोल रहे हैं आपसे। अभी उनकी तरफ से ये मैसेज थे, ध्यान रखिएगा, ये उनकी तरफ से मैसेज थे, वो आपको ये सब कहना चाहते हैं कि ये फीलिंग्स हैं। अभी कितनी सच्ची हैं कितनी झूठी हैं वो तो आपको पता होगा, आपकी इंट्यूशन आपको बता रही होगी कि इनमें से कौन कौन से मैसेज सही हैं। फील हो जाता है, आपकी इंट्यूशन आपको बता देती है कि कौन सा मैसेज सिर्फ आप ही के लिए। अभी इनकी तरफ से, इनकी करंट फीलिंग्स पे एक सॉन्ग देख लेते हैं राम जी, एक सॉन्ग इनके पर्सन की तरफ से। जी गणेश जी महाराज आए हैं। तेरे नैना बस गए मेरे दिल में तेरे नैना, सो आपके नैना कहीं ना कहीं इनके दिल में बस चुके हैं। सो ये सॉन्ग सुन लीजिएगा। बट मुझे डेक एनर्जी हमें मिली है, फिर भी तुमको चाहूँगा, मैंने कहा था ना, यहाँ पे मुझे टाइम पास वाली एनर्जी बिल्कुल नहीं लग रही है। आपके पर्सन चाहे आप इनका साथ दें या ना दें, चाहे ये आपका साथ दे पाएँ या ना दे पाएँ, लेकिन ये आपको हमेशा ऐसे ही चाहेंगे। अभी मैं आपके लिए गाइडेंस देख लेती हूँ, इस कनेक्शन में आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं इन नियर फ्यूचर, विद इन 15 to 20 days आप इस कनेक्शन में क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। इमोशंस आर रनिंग हाई, सो हो सकता है आप बहुत ज़्यादा इमोशनल हो रहे हैं, फुल मून की एनर्जी है, सुपर मून की एनर्जी है, सो कहीं ना कहीं हो सकता है कि आप बहुत ज़्यादा इमोशनल हो रहे हैं, आपके इमोशंस आपके कंट्रोल में नहीं है। सो यहाँ पे क्लियर मैसेज आया है यूनिवर्स की तरफ से आपके लिए कि आपको ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा इमोशनल हो रहे हैं, आपको थोड़ा प्रैक्टिकल भी होना पड़ेगा, ठीक है। कोई भी डिसीजन आप ले रहे हैं तो इमोशंस के बेस पे मत लीजिए, आपका डिसीजन रॉन्ग हो सकता है, आपको दिल और दिमाग दोनों यूज़ करना है। ज़्यादा इमोशनल ना होए, अगर आप रो रहे हैं अपने पर्सन को याद करके, इमोशन बहुत ज़्यादा हाई हो रहे हैं, तो अपने भगवान जी के सामने रोइए, अपने इमोशंस को बाहर निकालिए। जो ज़्यादा बहुत ज़्यादा इमोशंस हो रहे हैं आपके अंदर, बट ऐसा भी नहीं है कि सारे दिन रोते रहो, ठीक है। रोने से हाँ मानती हूँ आपके इमोशंस बाहर निकलते हैं, आपको अच्छा फील होगा, बट ऐसा भी नहीं है कि आप फिर रोते ही रहें सारा दिन, आपने बस रोने में ही गंवा दिया, ठीक है। सो आपको ना ज़्यादा इमोशनल होना है और ना ही आपको ज़्यादा प्रैक्टिकल होना है, बैलेंस करके चलिए। एंड बॉटम ऑफ द डेक की एनर्जी हमें मिली है ए पर्सनल इश्यू रिचेज रिसोल्यूशन, सो कहीं ना कहीं आपका कोई, मतलब ऐसा समझिए जो बहुत ज़्यादा रिक्वायर्ड है, जो भी एक पर्सनल इश्यू, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है जिस तरीके से आप ज़्यादा इमोशनल हो रहे हैं तो इश्यूज़ ही इश्यूज़ आपकी लाइफ में, लेकिन यहाँ पे एक पर्टिकुलर इशू जो कि जिसका सॉल्यूशन निकलना बहुत ज़रूरी है, तो वो जो एक पर्सनल इश्यू है उसका सॉल्यूशन बहुत जल्द निकलने वाला है। सो गाइस ये थी छोटी सी रीडिंग, होप आपसे रेजोनेट की है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट करना ना भूलें। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, अपना ख्याल रखें, जय सियाराम।